सियासत का शोर, चुनाव का शोर हिमाचल में शुरू हो चुका है। अब तो प्रत्याशियों की लिस्ट भी आने लगी है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अहम खबर, हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस भी जल्द अपनी पहली सूची, उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी करेगी। हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, दिल्ली में यह बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, टिकटों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। 68 विधानसभा सीटों के लिए 700 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, और इन तमाम सीटों पर 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। एक तरीके से देखा जाए तो हर एक सीट के लिए 9 से 10 लोगों की दावेदारी। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, प्रत्याशियों के नाम का चयन किया जाएगा, और जल्दी ही कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कितनी संभावना है कि आज या कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाए? आम आदमी पार्टी ने तो शुरुआत कर दी है और इस मामले में सबसे बाजी जीत ली है लिस्ट जारी करने के मामले में। कांग्रेस के सामने किस तरह का मंथन और किस तरह की चुनौतियां हैं प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर और चयन को लेकर? बिल्कुल नासिर, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती बड़ी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि सत्ता में वापसी हो, तो ऐसे में टिकट आवंटन सही तरीके से होना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से इंटरनल सर्वे भी किया गया है, उसकी रिपोर्ट भी जो है उसको देखा जाएगा। और जो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हो रही है, अभी बैठक शुरू हुई है और इस पर मंथन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि लंबा मंथन होगा, एक एक सीट पर मंथन किया जाएगा। और जो जानकारी है कि जहां पर ज्यादा विवाद नहीं है उन सीटों पर चर्चा की जाए और उनके नाम बाद में घोषित किए जाए। हालांकि अभी ये पहला दौर है, स्क्रीनिंग कमेटी आज बैठक करेगी, उसमें कुछ नाम फाइनल किए जाएंगे, उनको केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। और जैसा कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि नवरात्र में एक सूची हम जारी कर देंगे जहां पर कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है। हालांकि जहां पर झगड़ा है और जहां पर कैंडिडेट कमजोर है और पार्टी को लग रहा है, तो वहां पर अंतिम समय तक भी निर्णय हो सकते हैं, यानी नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक भी। तो ये तमाम चीजें होनी है और अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उसमें क्राइटेरिया भी सेट किया जा सकता है कि हारे हुए जो उम्मीदवार हैं, जो पूर्व में चुनाव हारे हैं, क्या उनको लेकर क्या जो है रणनीति बनाई जाती है, और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मतों से जो हारे हैं उनके टिकट पर विचार किया जाएगा कि उन्हें टिकट देना है या नहीं देना है। हालांकि जो पूर्व में विधायक हारे हैं उन्हें हो सकता है कि जहां पर कम मतों से वो हारे हैं तो उनका टिकट फिर से उनको टिकट मिले, लेकिन अभी जो सिटिंग विधायक को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं उनके टिकट लगभग तय हैं, लेकिन फिर भी छिटपुट स्थानों पर कुछ और दावेदार भी सामने आ रहे हैं, तो वहां पर विचार हो सकता है। अच्छा, मैं आता हूं आपके पास, मैं प्रदीप आपसे कुछ और बात करूंगा कांग्रेस के मंथन को लेकर, कांग्रेस के अंदरूनी सियासत को लेकर, हिमाचल की सियासत को लेकर। लेकिन कुछ जानकारी के साथ राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। राजा, क्या अभी अपडेट है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, 15 जीआरजी जो कि कांग्रेस का वार रूम है वहां पर ये बैठक चल रही है। जो दीपा दास मुंशी हैं स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन, उनके अध्यक्षता में बैठक चल रही है। प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस की, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो इस बैठक में मौजूद है। और तमाम जो बड़े नेता हैं हिमाचल कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि ये दिल्ली में दूसरी बैठक है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सदन में बैठक चुकी है। जो जानकारी है कि पहले जो 40 जो उम्मीदवारों को लेकर छटनी यहाँ पर हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है कि हर एक विधानसभा से जिस तरीके से आवेदन आए हैं, 700 के करीब कांग्रेस को आवंटन मिले हैं, उसको लेकर लगातार पहले भी छटनी की जा चुकी है। और 40 के अलावा जो उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं जो सूची है, जिस तरीके से बात करें आवेदन है, उनको लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। और जो जानकारी है कि इस मंथन के बाद किस तरीके की रूपरेखा कांग्रेस बनाती है, क्योंकि तमाम हम बात करें जो प्रत्याशियों की, चाहे जिन्होंने आवेदन किया हो या फिर जो नए चेहरे हैं कांग्रेस के, कि किस तरीके से उनको ग्राउंड पर उतारा जाए, किन किन चेहरों को इस वक्त कांग्रेस मौका देती हुई नजर आएगी, इन सभी पहलुओं को लेकर लगातार जो मंथन है वो लगातार जारी है। जी शुक्रिया राजा पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रदीप ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। प्रदीप,
कितना मुमकिन है जो आपने कहा कि जिन जो लोग पहले ज्यादा वोटों से हारे हैं उसमें कुछ बड़े चेहरे भी होंगे, तो क्या लगता है कि उनको दोबारा से टिकट ना मिले, या फिर कुछ ऐसा भी है, कुछ इस तरह की अंदरूनी बातें पता हैं कि कुछ मौजूदा विधायकों की टिकट कट जाए इस बार? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो पहली चुनाव समिति की बैठक हुई थी कांग्रेस कमेटी की, उसमें ये तय हुआ था कि जितने भी सिटिंग विधायक हैं उनके, जो मौजूदा विधायक हैं उनके किसी के टिकट नहीं कटेंगे, लेकिन बीच में कुछ स्थानों पर दावेदारियां भी जताई गई, तो अंदर खाने वो दावेदारियां जताई गई, हालांकि बाहर जो है खुलकर कोई इसमें सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने कुछ लोगों ने दावेदारियां जताई हैं, तो ऐसे में वहां पर किस तरह से उनके वहां टिकट को लेकर स्क्रीनिंग होनी है वो आज तय हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां पर लग रहा है कि कैंडिडेट दो बार हारा है, तीन बार हारा है, या फिर बहुत ज्यादा मतों से हारा है, उसको टिकट दोबारा देना है या नहीं देना है, वहां पर विचार जरूर कांग्रेस पार्टी करेगी। वहां पर कोई और नया फ्रेश चेहरा भी जो है यहां पर इंट्रोड्यूस कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन क्योंकि जो पिछली चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें 35 ऐसी सीटें थी जहां पर सिंगल नाम गया था, और उसके बाद जब वो सिंगल नाम गया उसके बाद दावेदारियां जताई गई, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य वो हिमाचल आए, दो सदस्य यहां पर आए, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, उनके सामने भी दावेदारी जताई गई। जैसे कि हम ठियोग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुलदीप राठौर जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, वो सिंगल नाम उनका वहां गया था, लेकिन वहां पर कुछ और नेताओं ने भी अपनी दावेदारी जताई, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के लिए पेच फंस सकता है, और ऐसे में जो स्क्रीनिंग कमेटी यहां पर तय करेगी, फिर केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, और जो सर्वे की रिपोर्ट जो आएगी उसमें क्या बातें सही लग रही हैं हाईकमान को, उसके बाद ही निर्णय होना है। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि पहली सूची सिटिंग विधायकों से और बड़े नेताओं से जुड़ी हुई आ सकती है, और उसमें जहां पर विवाद बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, साफ है कि वहां पर कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री है, विक्रमादित्य सिंह है, और भी ऐसे आशा कुमारी हैं, ये बड़े नेता हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद जो है अभी तक नहीं है, तो ऐसे में पहली सूची में बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, और उसके बाद जो दूसरी सूची होगी जहां पर दो या तीन लोगों का पैनल बना हुआ है, कई जगह ऐसे कि सात सात लोगों का पैनल बना है, शिमला शहरी सीट में सात लोगों का पैनल बना है, जानकारी ये भी है कि शिमला शहर से कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में सभी अपनी जोड़ तोड़ यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जहां पर ज्यादा विवाद है या दो तीन पैनल गए हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, कैसे क्या उनका बैकग्राउंड है, पहले क्या लोगों के बीच में कितना उनका संवाद रहा है, और बाकी पार्टी में कितनी उनकी निष्ठा रही है, ये तमाम आधार रहेंगे, और उसके साथ साथ जो ज्यादा विवादों वाली है कई जगह सीटें हैं, कई जगह ऐसा भी जिसमें कांग्रेस के ही दो विधायक छोड़कर, कांगड़ा से पवन काजल और लखविंदर राणा, ये पार्टी छोड़कर गए हैं, तो वहां अब नया कैंडिडेट ढूंढना पार्टी के लिए चुनौती रहेगी, और हर कोई जो कदावर नेता वहां होगा कांग्रेस का वो चाहेगा कि मुझे टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिटिंग विधायक थे लेकिन और सिटिंग विधायक होते हुए भी पार्टी छोड़कर गए हैं, तो ऐसे में यहां पर चुनौतियां रहेंगी, और भी जहां पर बड़े चेहरे हैं वहां पर चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के पास हो सकती हैं, और इसके साथ साथ एक जो बड़ी चुनौती रहेगी उसमें देखना यह होगा कि कांग्रेस उससे कैसे पार पाती है, वो है जो बड़े नेता हैं उन वो कोशिश हमेशा करते हैं कि अपने जो सहयोगी हैं उनके जो पसंद के उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा टिकट मिले, क्योंकि जब कांग्रेस में देखा जाता है जब सीएमशिप की लड़ाई आती है तो वहां पर विधायकों की संख्या बल को पहले देखा जाता है कि किस नेता के साथ कितने विधायक हैं, तो यहां ये कोशिश जरूर रहेगी सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह खेमा है, चाहे वो नेता विपक्ष का खेमा है, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का है, ठाकुर रामलाल है, आशा कुमारी है, सबके अपने अपने पसंदीदा विधायक रहते हैं, और हमेशा ये कैंडिडेट जो है वो अपनी पसंद के कोशिश करते हैं कि कैंडिडेटों को टिकट दिलवा पाए, तो जो बड़े नेता हैं वो कितना टिकट अपने लोगों को दिला पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी नासिर, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए।